खट्टर साहब, अगर इंसानियत है आपके अंदर जरा सी भी, तो डूब मरो चल्लू भर पानी में। जो भी जो आज कुर्सी के दादा बने बैठे हैं, वो उनके बाप की जगीर नहीं थी। ना तो खट्टर के बहन है, ना उसके भाई है, ना उसके माँ है, ना उसका पत्नी है। वो किसी के दर्द ने नहीं जानता। जो कानपुर में हुआ है कल, वो भी वहां पे भी बीजेपी सरकार थी। एक छोटी सी दलित बच्ची का रेप हो गया। कहाँ है आपकी सरकार? ये निकम्मी सरकार, ये गद्दार सरकार। जो 800 भाई हमारे शहीद हो गए, उनमें से एक मेरा पति भी है। ये जो खट्टर सरकार और बीजेपी सरकार और गद्दारों की जो सरकार है ना, ये किसानों पर हर चीज का मंड बनाना चाह रही है, तो वो किसान इतने पागल नहीं है। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਆਂਟੀ ਉਧਰੋਂ ਆਏ। ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ। ਆਂਟੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤੋ ਥੇ ਔਰ ਨਾ ਰਹੇਗੇ। ਔਰ ਇਤਨੇ ਹਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਾ ਉਨਕੇ ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ और बीजेपी सरकार और गद्दारों की जो सरकार है ना, ये किसानों पर हर चीज़ का मंड बनाना चाह रही है, तो वो किसान इतने पागल नहीं है। वो अपने जो MSP बिल पास करवाने आ रहे हैं, वही हिसाब इनके दिमाग में है और वही करवा के जाएंगे और लिखित रूप में लेके जाएंगे। जो 800 भाई हमारे शहीद हो गए, उनमें से एक मेरा पति भी है। तो दर्द आज जो मेरे दिल में है ना, वो हर किसी को नहीं पता। उन्हीं बहनों को पता है जिसके सिर पर का चला गया, उन्हीं के बच्चों को ने पता है जिसका बाप नहीं रहा, उन्हीं बहनों ने पता है जिसका भाई चला गया। ना तो खट्टर के बहन है, ना उसके भाई है, ना उसके माँ है, ना उसका पत्नी है। वो किसी के दर्द ने नहीं जानता। लेकिन हम महिलाएं कहना चाहते हैं, उनको बद्दुआएं देना चाहते हैं, अगर काले कानून रद्द नहीं हुए तो हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दोगे। क्या नाम आपका? श्रीमती रमेश अंतिल। आपके पति का क्या नाम था? सतीश कुमार। 3 फरवरी को यहाँ शहीद हुए थे। सरकार ने कोई आपको दिया कुछ के नहीं? कुछ भी नहीं दे लिया है। कहाँ आप हरियाणा से हो? पंजाब से? मैं हरियाणा से हूँ। कौन सा जिला आपका? सोनीपत राई ब्लॉक। और मैं बार बार कहना चाहती हूँ, खट्टर साहब, अगर इंसानियत है आपके अंदर जरा सी भी, तो डूब मरो चल्लू भर पानी में। जो हमारी आज भाइयों की चूड़ी आज पहने घूमे है, ये भाई की शक्ति हमारे दिल के अंदर है। और जो हमारे पतियों ने करके दिखाया है, अपनी शहादत देकर दिखाया, उनका बदला वोट की चोट से लेके दिखाएंगे। और हिम्मत है तो हरियाणा में। कैसे शहीद हुए थे वो? 26 जनवरी को मुकबरा चौक पे हमारे को लाठी चार्ज हुई थी, आंसू गैस के गोले फोड़े गए थे। किसी ने बता दिया कि भी उनका फलाने फलाने का ये हो गया, वो हो गया। मेरे चोटें आई थी और हाथ पैर में मेरे लाठियाँ लगी थी, उस पर वो मेरे को देख नहीं पाए। ज़्यादा भीड़ भड़ाका हो गए थे, उनको कह दिया कि तेरी पति तेरी पत्नी पता नहीं कहाँ है, कहाँ नहीं, मतलब ऐसे कि वो थोड़े बहुत पहले से बीमार थे, तो उस वजह से उनको हार्ट फेल हुआ था। हार्ट फेल होने से उनकी यहाँ पे ही डेथ हुई थी। और मैं आपको फिर बार बार कहना चाहती हूँ, अगर मेरे बच्चे पढ़ाई में कहीं भी रहे तो आप कसूरवान हो। पूरी हरियाणा के अंदर मैं घूमूंगी। मेरे पास आज धन की कमी है, आदमियों की कमी नहीं है, वोटों की कमी नहीं है। और मेरी जत्थेबंदी, मेरे चंडूणी साहब जो मेरे बच्चों की आंसू पोंछकाए थे, वो हमारे साथ हैं। हरियाणा, पूरा पंजाब, हरियाणा। कोई जथेबंदियां ने चंडूणी साहब ने हेल्प की थी तुम्हारे परिवार? चंडूणी साहब ने देखिए हमारे बच्चों का एडमिशन कराया है। और बाकी वो कह रहे थे कि जहां तक भी होगा इस बच्ची का हम पूरा ख्याल रखेंगे। 3 बच्चे मेरे पढ़ने लायक हैं और जो पढ़ने लग रहे हैं, चंडूणी साहब ने हमारे आंसू पोंछे। मैं वो भी उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और किसी जथेबंदियों ने हमारी कोई मदद नहीं करी है, नहीं कहीं से और होया है। लेकिन मैं सरकार को पूछना चाहती हूँ, जब कोई शहीद तुम्हारा बीजेपी का बंदा हो जाता है तो करोड़ों रुपये देखा हो वहाँ पे। आज मेरी बेटी इतनी होशियार, इतनी सहनशीलता की और आगे बढ़ने के लायक मेरे बच्चे हैं, जो पूरी मीडिया ने देखा था। आज उस बच्ची के अरमान एक डॉक्टर बनने के थे, उन्होंने MBBS डॉक्टर बनने के ख्वाब अपने मन में ले रखे हैं। और आज मेरी बच्ची का दिल जो रो रहा है, सिर्फ कमजोरी की वजह से आज मेरे बच्चों की पढ़ाई में चलो रोवो ना जी, हौसला रखो, कोई गल नहीं, आपे सतगुरु मेहर करूंगा। ठीक है जी, हौसला रखना पड़ेगा। ठीक है जी,
खट्टर साहब आप मेरे बच्चों को पढ़ाई का खर्चा दोगे या मेरे पति को वापस लाओगे? मैंने पढ़ ले रखा, जब तक हमारे काले कानून रद्द नहीं हो जाते और एमएसपी बिल पास नहीं हो जाते, लिखित रूप में हमने लेके जाना है, यहाँ से मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। जय किसान। अगर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है जो रोड खाली कराई जाए, फिर क्या करोगे आप? बिल्कुल, जितनी चाहे 8 लाखों करोड़ों की शहादत देनी पड़े, हम तैयार हैं। हम डरने वाले मत नहीं है, पीछे मुड़ कर देखने वाले में से नहीं है। जहाँ भी किसी का कोई आज ये कुर्सी पे बैठे हैं, तो एक गरीब किसान का मजदूर की पैसों की कुर्सी है वो, इसके घर की कुर्सी नहीं है, इसकी बनाई हुई कुर्सी नहीं है, वो हमारे किसान मजदूर भाइयों की कुर्सी पे बैठे हैं। जो भी जो आज कुर्सी के दादा बने बैठे हैं, वो उनके बाप की जागीर नहीं थी, वो कुर्सी देने वाले भी हम थे और वो कुर्सी छीनने वाले भी हम हैं। बद्दुआएं लगेंगी खट्टर साहब आपको, जो हमारी 800 बहनों की शहादत लेके भी आपका दिल नहीं भरा, कितनों की लोगे ये बता दो। हम उतने देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इतनी नाइंसाफी हमारे साथ ना कीजिए, मत कीजिए, कोई भगवान के ऊपर कुछ रहम कीजिए। मोदी साहब कहाँ गई आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा? कहाँ गया आपका 15 लाख रुपए? कहाँ गया आपको हमारी इज्जत बचाने का कानून जो आपने हाथ में लिया था, जो बनाया था? ये कानून सिर्फ कागजों तक है, दिखावा है, कुछ भी नहीं है, खोखला है, झूठ लिखो और पास करो। आज जो कानपुर में हुआ है, कल वो भी वहां पे भी बीजेपी सरकार थी, एक छोटी सी दलित बच्ची का रेप हो गया, कहाँ है आपकी सरकार? ये निकम्मी सरकार, ये गद्दार सरकार, बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाली सरकार है। लेकिन अगर मेरे जैसी महिलाएं कोई होगी तो तेरे को वोट की चोट से हरा के दिखाएगी। लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, 4 किसान 1 पत्रकार शहीद हो जाता है, वहाँ इलेक्शन भी आ रहे हैं 2022 में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आगे भी ऐसे ही, जहाँ भी 5 स्टेट में यहाँ इलेक्शन होगा, वोट की चोट से इनके ऐसे ही टक्कर लगाई जाएगी। पंजाब में भी देखा आपने, इलेक्शन थे वहाँ किसी चीज़ के, तो तीसरी उनका 1-0 के मुताबिक वहाँ पे निकली, 1 वोट नहीं आई, इनकी जमानत जब्त हो गई। ऐसे ही पूरे स्टेट में इनका नाम ऐसा ही होगा खराब, जो अगर इन्होंने लिखित रूप में हमारे कागज का लिखित रूप में नहीं दिए, काले कानून रद्द नहीं करे, तो वोट की चोट से आने वाले समय में इनको कोई दुनिया में इनका बीजेपी का नाम नहीं रहेगा। कोई मोदी को अपील करना चाहोगे? मैं मोदी को यही अपील करना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री हो आप, हमारे बाप हो, हमारे बाप का दर्जा होता है, अगर किसी बेटी की आंखों में आंसू आती है तो उसका आंसू पोंछने का काम होता है। आप दरिंदी पे मत उतरिए, हमें आपको ऐसे नहीं बनाया था जो आज हमारा दिल अंसरो रहा है। हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि जो अच्छा कानून है वो कानून हमारे लिए बढ़ा दीजिए और काले कानूनों को रद्द की दीजिए, एमएसपी बिल पास कर दीजिए, हम आपको दोबारा से प्रधानमंत्री बना देंगे। ये मेरा एक आपकी बेटी का हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रधानमंत्री जी खून खराबा मत करिए, हमें नहीं चाहता ऐसा खून खराबा। हम निहत्थे होके अपने शांतिपूर्वक धरने को चला रहे हैं, तो जोर जबरदस्ती मत करिए, खालिस्तानी पाकिस्तानी तालिबान यहाँ पर मत बताइए, ये तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती है। आप बड़े प्रधानमंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री हो, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जहाँ तक भी जो कोई भी मेरी आवाज़ सुन रहा हो तो मोदी तक जरूर पहुँचा देना। जय हिंद, जय भारत माता की जय। तुसीं देख रहे सीगे सिंघू बार्डर ते ये भैन जिहड़ी रो रो के जिहड़ी अपने दुखड़े सुना रही है, ते आ कि इन्हां दा जिहड़ा घर वाला वै वह भी 26 जनवरी नूं जिहड़ा वै वह शहीद हो गया सीगा। ये साड़ी भैन दे भी सट्टां भी लगियां सीगियां, पर फिर भी दलेर भैन है, इन्हें हौसला नहीं छड्डिया, जज्बात है मन दे विच, कहना मैं भी जिन्नी देर तक 3 काले कानून रद्द नहीं होंदे, इस तरह ही जिहड़ा वै इस संघर्ष दे विच डटे रहणगे। गरीब परिवार है, किसी भी सरकार ने किसी जथेबंदी ने इन्हां दी कोई मदद नहीं की। मैं अपने वालों भी ब्रेकिंग न्यूज़ पंजाब चैनल वालों भी जथेबंदियों नूं भी अपील करता वा कि इहो जिहे जिहड़े गरीब परिवार है उन्हां दा साथ दिता जावे। तुसीं देखते रहो ब्रेकिंग न्यूज़ पंजाब ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? 100% ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਪਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ। ਗੁਰੂ ਅਜਮੇਰੀ ਬਾਬਾ, ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 9821-70721। ਖੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਓ 24 ਘੰਟੇ ਚ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਸਲੇ, ਔਲਾਦ ਸੁੱਖ, ਬਿਮਾਰੀ ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਕੀਤਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਾ ਜੜ ਤੋਂ ਖਾਤਮਾ, ਗੁਪਤ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮ
प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर संपर्क करन, मैं तुहाडा प्यार टुटन नहीं देवांगा, इट्स माय प्रॉमिस। संपर्क करो 9871 70 721। खुदा दे कर देर है पर हनेर नहीं, की तुसी परेशान हो आज ही संपर्क करो गुरु बशीर खान, कॉल करो 9814460154। पता लुधियाना। हर परेशानी दा हाल पाओ 100% गारंटी दे नाल। परेशानी जिवें व्याह विच रुकावट, खोया प्यार वापस पाउणा, पति पत्नी विच झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, विदेश यात्रा, इमीग्रेशन मसले, औलाद सुख, बुरे सुपने, बीमारी विच दवा दा ना लगना। लाटरी नंबर पाओ भावे 649 हो या मेगा मिलियन। हर जगह तो निराश ते धोखा खा चुके दुखी भैन भरा एक बार जरूर संपर्क करो, मैं तुहानू खून दे हंजू नहीं रोण देंगा, इट्स माई प्रोमिस। गुरु बशीर खान 9814460154।